आरआरबी जेई वालों ने इतनी वैकेंसी निकाल के बहुत अच्छा तुमने नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई के बारे में, आरआरबी जेई वैकेंसीज के बारे में। देखिए, आरआरबी जेई की वैकेंसीज अभी कुछ दिनों पहले, कल परसों वैकेंसी आई है, 3,551 वैकेंसी। अब 3,551 वैकेंसी जो आई है किसके लिए आई है, वीडियो को अंत तक देखिए तभी समझ में आएगा। और डिटेल क्या है 2022 आरआरबी जेई के लिए, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आरआरबी जेई 2022-23 में जो आने वाला, क्या वैकेंसी डिक्रीज होगी, वो सारी चीज़ें डिस्कस। पहल रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर। देखिए, आरआरबी जेई वालों ने अभी दोबारा रिव्यू कुछ दिन पहले किया था, तो उन्होंने बोला था रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद उन्होंने 3,551 वैकेंसी निकाला है। 2018 जो वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट का नाम दिया था 3,300 वैकेंसी बहुत होता है यार, 3,300 वैकेंसी 18 जोन में फिल हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या अब देखिए 3,300 वैकेंसी और जो नए स्टूडेंट है उनको इंपैक्ट क्या पड़ने वाला। देखिए, वैकेंसी ऑब्वियसली डिक्रीज हो गया, 3,300 अभी ज्वाइनिंग होगी तो यार तुरंत आपको वैकेंसी तो इतना ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलेगा ना। अभी सोचो ना कि यार इतनी ज़्यादा वैकेंसी गवर्नमेंट नहीं निकालेगी, तो पता है कि रेलवे का क्या हाल है, तो इतनी वैकेंसी ये सोचते कि उनका एग्जाम का खर्च बैठ से कम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। वो दिखा देगी कि 3,300 और वैकेंसी मैंने निकाली है, तो पुरानी वैकेंसी थी, पुरानी वैकेंसी इसको तुमने फिल किया है। फुल क्या किया ये ने, पहले से 1400 तो इंजीनियर को फिल कर दिया था, बट ये 17,000 वैकेंसी दोबारा से आ गए, 17,000 वैकेंसी 2018 में फिल हो चुकी है। अब वो दिखा देंगे गवर्नमेंट की इतना मैंने फिल कर दिया। अब 2022 वाले और 23 वाले कहाँ जाएंगे, इनके पास तो वैकेंसी नहीं रहेगी। जहाँ 14,000 है 7,000-8,000 वैकेंसी आएगी और उसी में तो वो फाइट करना पड़ेगा। और ये कन्फर्म नहीं है कब तक आएगी, क्योंकि इसको दिखाएगी ये टाइम लेगा, प्रोसेस लेगा, कहेगी अभी ये वेटिंग लिस्ट वालों को मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद नया वैकेंसी रिक्रूट करूंगा। ये फैक्ट बातें हैं, तो ये बात आपको समझनी चाहिए, सारे स्टूडेंट को नहीं समझते हो बट चिल्ला उठते हो कि यार ये है वो है। तो गाइज ये था थोड़ा सा कि आप लोगों को अपडेट दूं, रेलवे वाले बहुत चालाक है, रेलवे वाले जो करते हैं बहुत बुरा कर रहा है स्टूडेंट के लिए। आपको राय क्या है जरूर कमेंट बॉक्स, क्योंकि रेलवे का एक कैलेंडर भी नहीं होता है, कुछ भी नोटिफिकेशन कब आएगा कुछ भी नहीं होता, हर साल स्टूडेंट को उस पर फाइट करना पड़ा, ट्विटर ट्रेंड करना पड़े, रोड पे आना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तभी रेलवे आपकी नहीं सुनती है। तो ये भी देख लो, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन में भी 6,000 वैकेंसी जो निकाला है वो भी एक कह सकते हो कि यार बहुत अच्छी नहीं किया, क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी जब आएगी तो उसमें से डिक्रीज हो जाएगी वैकेंसी, ये ऑब्वियसली फैक्ट बातें हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।